दिल्ली उत्तर वजीरपुर द्वारा एक नई पहल जिसे साझेदारी का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप और हम मिलकर क्लेम रिजेक्शन के प्रमुख कारणों को जानने और उसे कम करने का प्रयास करेंगे। आप सभी फॉर्म 31 भरते हैं जो कि एडवांस लेने के लिए भरा जाता है, और आज इनके रिजेक्शन के मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। आप अपने एडवांस क्लेम के साथ बैंक की पासबुक लगाते हैं, और अक्सर ये पाया जाता है कि पासबुक बैंक अधिकारी द्वारा अटेस्ट नहीं होती है। अधिकतर क्लेम का रिजेक्शन इसी कारण से होता है। कुछ मेंबर अपने क्लेम के साथ चेक लगाते हैं और उस चेक पर आपका नाम नहीं होता है। बैंक ब्रांच चेंज करने के बाद बैंक का IFSC कोड KYC में अपडेट नहीं करते हैं और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेंबर पासबुक पर हाथ से अकाउंट नंबर या अन्य जानकारी को लिख देते हैं जो कि मान्य नहीं है। बार बार एडवांस लेने के कारण अक्सर मेंबर के खाते में इतना पैसा नहीं होता कि सिस्टम अगला एडवांस अप्रूव कर सके। जानकारी के अभाव में जैसे कि शादी के लिए एडवांस लेना, उसके लिए 7 साल की नौकरी और घर खरीदने और मरम्मत हेतु 5 साल की नौकरी का होना अनिवार्य है, लोग इस जानकारी के अभाव में भी क्लेम डाल देते हैं और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी पाया गया है कि मेंबर एडवांस मांगने का कारण 2 महीने से ज्यादा वेतन का ना मिलना दिखाते हैं, लेकिन तनख्वाह मिलती रहती है और जो कि EPFO पोर्टल पर दिख भी जाता है। आप में से कुछ नौकरी के छोड़ने के बाद एडवांस अप्लाई करते हैं जो कि एक कारण है रिजेक्शन का। अभी भी EPFO ने कोविड के अंतर्गत एडवांस देने का जो सुविधा है उसको जारी रखा हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 बार ही। मेंबर 2 बार पैसा निकालने के बावजूद कोविड के अंतर्गत एडवांस के लिए अप्लाई कर देते हैं और उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए अपने क्लेम फॉर्म को जमा करेंगे और इस साझेदारी मुहिम को सफल बनाने में अपना कीमती योगदान देंगे। धन्यवाद।